नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी प्रजापत। देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। मूसेवाले के दरवाजे पर सरकार। पंजाब के सीएम भगवंत मान गायक मूसेवाले के घर पहुंचे और शोक जताने के साथ हथियारों और सुरक्षा में हुई चूक की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई कराने का भरोसा दिलाया। कश्मीरी आतंकियों की राजस्थान को चोट। कश्मीर के कुलगाम में आतंकी की गोली से मारे गए बैंक मैनेजर विजय बेनीवाल का शव उनके पैतृक गांव हनुमानगढ़ राजस्थान पहुंचा। दरोगा जी के बार बार असंग ठुमके लाइव। यूपी के प्रतापगढ़ में तैनात दरोगा जी का मन मचला। आखिर है तो इंसानी, फिर जो ठुमके लगे आप भी देखो। हाई कोर्ट के बाहर कारों में आग। लाइव दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर खड़ी कारों में लगी भीषण आग। पास खड़ी फायर सर्विस की गाड़ी में नहीं था पानी। फायर सर्विस की बड़ी लापरवाही उजागर। नंगा करके दो युवकों को पीटा लाइव तस्वीर। गाजियाबाद के साहिबाग में दो युवकों को चोरी के शक में कमरे में बंद करके पीटा गया। पिटाई करने वालों ने वीडियो किया वायरल। गाजियाबाद में लाखों की चोरी लाइव पीट। गौरव गर्ग ने कहा है कि पेपरवार पुलिस जल्द ही खुलासा करे तो आधा इनाम मैं दूंगा। इंडिया में हालत ने महिला को मजबूर किया स्पाइडर वुमेन बनने को। मोदी सरकार को 8 साल तो हो गए हैं सत्ता पर कागज हुए काश। मस्जिदों में मंदिर की बजाय हर घर जल और हर नल अभियान पर फोकस किया होता तो ये आदिवासी महिला बहुत मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के घुसिया गांव की है। यहाँ हर साल में पानी की हकीकत है कि गांव वाले शौकिया स्पाइडरमैन नहीं बन रहे हैं, मजबूरी है। स्टेज शो के दौरान नामचीन सिंगर का निधन। देखे लाइव वीडियो। केरल के मलयालम गायक इदाब बासीर का लाइव परफॉर्मेंस के दौरान निधन। हेड कांस्टेबल की बेटी ने परिवार ही नहीं बल्कि खाकी का नाम बढ़ाया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बिटिया को किया सम्मान। दिल्ली पुलिस की बेटी इशिता राठी यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2021 में 8वीं रैंक हासिल की है। सीडी दिल्ली श्री राकेश अस्थाना ने आज इशिता को सम्मानित किया। इशिता के माता पिता दिल्ली पुलिस में SI और हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। इशिता की कामयाबी पर हमें गर्व है। फायरमैन की बहादुरी ने बचाई जान। देखे लाइव वीडियो। उत्तराखंड के जिला प्रोजेक्ट कॉलोनी में घर में आग लगने की सूचना पर पहुंचे SI श्रद्धानाथ सेमवार, HC नीरज कुमार, HCT मैनेजर तोमर ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग पर काबू पाया और HC नीरज के झुलसे हुए व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला तो जो अब खतरे से बाहर है। तो ये थी अब तक की ब्रेकिंग न्यूज। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।